लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि वाराणसी से तेज बहादुर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जी हां, तेज बहादुर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। गलत जानकारी देने के बाद तेज बहादुर का नामांकन रद्द किया गया है। दरअसल पहले तेज बहादुर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया, और दोनों ही नामांकन पत्रों में अलग अलग जानकारी देने के आरोप लगा है। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, क्या गड़बड़ी हुई? दोनों ही नामांकन में क्या गलत जानकारी दी गई? क्या डिफरेंस है दोनों नामांकन में दी गई जानकारियों में? देखिए, नामांकन फॉर्म में क्लॉज था जहां पर ये लिखा था कि सरकारी नौकरी से अगर आपको बर्खास्त किया गया है तो आपको इलेक्शन कमीशन से इसकी एनओसी लेनी होगी और उसके बाद ही आपका नामांकन वैध होगा। और इसी के चलते नोटिस दी गई थी कल तेज बहादुर को कि आप एनओसी लेके आइए इलेक्शन कमीशन से। और 11 बजे तक का समय दिया गया था, आज सुबह 11 बजे तक का समय था, पर 11 बजे तक एनओसी नहीं दे पाए तेज बहादुर और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और यही क्लॉज लगाया गया है कि जो तय समय सीमा थी उस तय समय सीमा के अंदर नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया और इसीलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। हालांकि तेज बहादुर का कहना है इससे वो इत्तेफाक नहीं रखते और वो कोर्ट की शरण लेंगे, पर फिलहाल जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वाराणसी के सुरेंद्र सिंह, उन्होंने साफ कर दिया है कि तेज बहादुर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तेज बहादुर का नामांकन वाराणसी से रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने यानी कि महागठबंधन ने उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन गलत जानकारी देने के बाद नामांकन रद्द किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। नामांकन रद्द होने के बाद तेज बहादुर की तरफ से क्या बयान आया है वो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन मुझे खड़ा किया है, मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मुद्दे हमारे वही हैं, जवान, किसान और जो आज नौजवान बेरोजगार। कल नामांकन के स्क्रूटनी में आपको एक नोटिस दिया गया था जिसका टाइम बाढ़ था 11 बजे तक। क्या जो सच मांगे गए थे, जो चीज़ें कही गई थी, उसे आप प्रेजेंट कर पाए या क्या है? देखिए, पहले तो जो हमें नोटिस दिया गया वही गलत है, उसके हम उसके अनुरूप आते ही नहीं हैं। हमने पहले ही क्लियरेंस इनको दे रखा है, एफिडेविट पे दे रखा है, वही गलत दिया गया है, एक साजिश रची जा रही है। नंबर दो, फिर भी हमने, आप मुझे बताइए, 6:15 पे एक गरीब किसान के बेचे को नोटिस देते हैं कि आप दिल्ली से लिखवा के लिए, मैं कोई अडानी अंबानी तो हूँ नहीं जो चार्टर प्लेन लेके दिल्ली चला जाऊँगा।